खड़े ठहरो, मीटर के ऊपर 25 नंबर लगेगा। दे देंगे। जाना किधर है? हिंदुजा हॉस्पिटल जाना है, पहले घर से मम्मी पापा को लेना है। नहीं जाना है उस तरफ, नहीं जाना है, चलो हटो, हट जाओ। अरे मम्मी बहुत जोर से पी है, चलो गाड़ी बंद करिए। बोला नहीं जाना। चुप, मेरा बाप असिस्टेंट कमिश्नर है, नाम चंद्रशेखर, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैफिक साउथ डिवीजन। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तेरा टैक्सी नंबर 704 है ना, जा देख लूंगा। अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने साहब की अपनी गाड़ी को क्या हुआ? वो चोरी हो गई। जरा संभल के। चलो 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 बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। बोलो तुम दोनों को क्या चाहिए, भाई या बहन? भाई नहीं, मेरी बहन होगी अंजलि। नहीं अशोक। नहीं अंजलि। नहीं अशोक। नहीं अंजलि। पापा आप ही बताओ। लगता है भाई बहन दोनों। ओह नो, इनफ, जुड़वा नहीं चाहिए, यही तीनों काफी है। अर्जुन, माँ को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। माँ मर जाएगी। चुप। मैं माँ के पास जाऊंगी। हॉस्पिटल है, आवाज मत कर, नहीं तो डॉक्टर तेरा ऑपरेशन कर देगा। डॉक्टर क्या हुआ? मदर इज ऑल राइट। और बच्चा? बताती हूँ, मेरे साथ आइए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? चुप रहे। माँ मर गई क्या? नहीं रे। बाहर क्यों नहीं आ रहे पापा? चुप। माँ मर गई है ना? माँ को कुछ नहीं हुआ। मर गई है। पापा 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 पापा, माँ मर गई क्या पापा? मेरी माँ मर गई क्या पापा? बोलो ना पापा। पापा नहीं बेटे, माँ के पास ले चलो, पास ले चलो। माँ पूछ रही है क्या हुआ? बेटी अंजलि, नाम मैंने पहले ही बोला था, कितना अच्छा नाम है ना माँ। पास ले आओ, देखना चाहती हूँ। नहीं, अंजलि नहीं है। क्या? जब वो पैदा हुई तो वो मरी हुई थी। Thank you.
something, something. भी मैं सामान ले आना। तो आज शेखर की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे मैं। चित्रा मुझे बचाओ, चित्रा शेखर मुझे मारने आ रहा है। चित्रा क्या? चित्रा ये बहुत बड़ा नाम लिखती है, लगाओ एक हाथ। अरे हे रुक तो, अरे बाप रे, पकड़ो उसको। ए अनु रुक तो, अनु रुक तो, आ जाओ यार, जाओ ना उसे पापा। अरे रुक तो अर्जुन, क्या छाप पापा पापा, उस तरफ से आओ, उस तरफ से। की मेरी अर्जुन मेरे साथ आ, अनु अनु रुक जा, बचाओ जाएगी अनु। अनु ये क्या बदतमीजी है, तू बहुत शरीर हो गई है, तुझे तो। एक्सक्यूज मी, नए रहने आया क्या? हाँ जी, फ्लैट 4B में। एक फ्लैट भाड़े पर लिया है, सारी बिल्डिंग तो नहीं खरीदी ना? सॉरी सर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, बिल्डिंग को मच्छी बाजार बना रखा है। इस मोटे टकलू को गाली दे दूं क्या? चुप है अनु, चुनकर चेहरा बंदर जैसा, अभी हमको मारेगा क्या? अरे बाप रे, चल 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 चल। ये ऊपर लेके चल, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोला ना आता हूँ, मैं भी आ रही हूँ। एक रुपए 20 पैसे इस गाजर का या टमाटर का? सुना, निकाल, तू क्या कर लेगा? विष्णु 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 विष्णु
क्या चल रहा है? झगड़ा हो रहा है? झगड़ा? हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं। कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा। अरे कोई झगड़ा कर रहा है क्या? नहीं, हम झगड़ा नहीं कर रहा। फिर क्यों लेता है? चलो पुलिस स्टेशन। किस जुर्म में, किस सेक्शन में ले जा रहे हो पुलिस स्टेशन हमको? कारण बताए बिना ले जाना जुर्म है। वारंट है क्या? पापा क्रिमिनल लॉयर है, पता है? ये कौन है रे? ये मेरा कजन, ये मेरा कजन है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चुप करो, आइंदा किसी ने झगड़ा किया तो। आप सबको एक वार्निंग, नया घर है, नया किचन है, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने में ये नहीं है या वो नहीं है, अगर किसी ने कहा तो उसका खाना नाश्ता बंद। ओके इंजीनियर साहब, सुन लिया ना? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास है ना अर्जुन? हाँ है तो अच्छा, पर जरा नमक कम है। क्या? भुना कम है पर कोई बात नहीं, खाना अच्छा नहीं है। हाँ आप भी बोलिए, बोलिए ना, इस खाने में क्या अच्छा नहीं है, बोलिए। बोलती क्यों नहीं? तुम्हें कुछ नहीं बोलना क्या? क्या हुआ बोलो। ए क्या हुआ नू? क्या डेट? क्या? हाँ मतलब क्या? सितंबर 18th, इसी दिन अंजलि बेबी भगवान के पास पहुंची थी, आज उसकी सालगिरह है। चितू, तुझे कुछ अक्कल है क्या? तुझसे ज्यादा अक्कल है। क्या जरूरत थी अंजलि का नाम बोलने की? क्यों नाम ना लूं? याद आती है मुझे पागल, अब माँ को रुला दिया ना। रो रही है तो क्या हुआ? मुझे भी तो रोना आ रहा है, पूरे 2 साल हो गए। अनु किसी को याद ही नहीं, अर्जुन मुझे हाथ ना लगा, रोना आ रहा है मुझे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू आवर न्यू रेसिडेंट्स शेखर एंड मिसेस चित्रा शेखर। ये अर्जुन, 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 अर्जुन। मिस्टर शेखर इज अ लीडिंग सिविल इंजीनियर। अर्जुन आज से हम सबका दोस्त। एंड मिसेस शेखर इज द वुमन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल मैन। अनुवासिटी वन आता है। मिस्टर विश्वनाथ। हाउ डू यू डू? मिताली विश्वनाथ। हेलो। मिस्टर मुरलीधर। हेलो। मिसेस मुरलीधर। हेलो। हेलो। मिस्टर आर कृष्णा। हेलो। मिसेस आर कृष्णा। हेलो। हेलो। मिस्टर कृष्णमूर्ति। हेलो। हेलो। अन्नपूर्णा कृष्णमूर्ति। हेलो। इस कॉलोनी में रहने वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है ये सोसाइटी। और हमारा एक ही प्रॉब्लम है। इस कॉलोनी के लड़के हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। सोसाइटी मीटिंग में जो बुढ़े लोग बैठे हैं वही हमारी सारी प्रॉब्लम। वो बदमाश है कहाँ? और 5 गिनने से पहले लिफ्ट मैन आएगा, देखना। अरे लिफ्ट मैन बच्चे किधर है? ढूंढ कर लिया सबको। 1, 2, 3, 4, 5 तुम सबको ऊपर बुलाए। बताइए। इन बच्चों ने मेरे स्कूटर की हवा निकाल दी। पापा वार्निंग, तुम्हें फंसा दूंगा। क्या बोल रहा है? बोल दूंगा। क्या बोलेगा? मम्मी ने कहा था हवा निकालने को। मैंने वार्निंग तो दिया था। क्वाइट क्वाइट।
नालायक, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आनंद जरा इनकी सुनो, यहाँ जो मन में आप बोल रहे हैं वहाँ घर में माँ के सामने बोलती बंद हो जाती है। ए, क्या? हा हा हा, चुप रहो। बदतमीज बच्चे सबके सामने पोल खोल देते हैं, इन लोगों को तो फ्लैट के बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्यों? वो शोर मचा के कान फोड़ देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से एमएलए से फोन करा के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, ये ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मेरा बेटा पढ़कर कभी पास नहीं होगा। वो पढ़ता कहाँ है आपका बेटा? जब देखो वो अंकल के घर में जागता है। क्या कहा? मुझे एक लेटर देकर कहा गायत्री दीदी को जाकर देना। उमाशंकर, व्हाट इज दिस? क्या व्हाट इज दिस? बेटे को ये सिखाया तूने? तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया? देखो तुम मेरी बेटी का नाम मत लेना। तुम भी मेरे बेटे का नाम मत लेना। अगर तुम्हारे बेटे ने फिर कभी मेरी बेटी को खत लिखा तो मैं उसका हाथ काट के फेंक दूंगा। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, खिले पड़ रहा है, सब उसी को खत लिखते हैं। अरे जब कमेटी मेंबर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो सोसाइटी का क्या होगा? देख लिया तुम लोगों ने अपनी बदतमीजी का नतीजा, 5 मिनट में महाभारत खड़ा कर दिया। आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। क्यों? मेरे बाप और माँ ने कहा है कि कोई आपसे बात न करे। क्या? इसलिए कि आप वो बेटे पीछे। अरे चुप करो शैतानो। जल्दी करो। पापा ऊपर है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अच्छा हाँ। अरे भाई जल्दी हाथ चलाओ ना। तो फटाफट। ए छोकरे इंदिरा, पापा वो गमला उठा और नीचे जाकर गणपत को दे आ। ओ पापा। अर्जुन यहाँ क्या कर रहे हो? आपने जो मेरा होमवर्क किया था टीचर कहती है गलत है, आपको मॉडर्न मैथ्स आता ही नहीं है। मुझे मैथ्स नहीं आती तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर लेता? तुम्हारे टीचर को मैथ्स नहीं आती? मैंने भी टीचर को यही बोला था, उसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप नीचे आकर मेरे साथ स्कूल चलिए, नहीं तो मैं लिफ्ट बदल कर ऊपर आता हूँ। तू ऊपर आ जा। ये माँ एक बात बताऊँ, आज अर्जुन भैया को स्कूल से निकाल दिया गया। शट अप, देखो मार रहा है। अर्जुन ये सच है क्या? मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? चुप रहे, क्यों चुप रहूं? अर्जुन स्कूल से सीधा घर क्यों नहीं आया? पापा के साथ आवारागर्दी कर रहा था। मम्मी को भड़का रही है क्या तेरी? तो मुझे बचाओ। अन्नू अन्नू गिरा जा, जल्दी चल भागते हैं यहाँ से। माफी चाहूं। ये पागल है क्या? कैसी पागल है? पागल को नहीं पहचानती। सच पापा? सच क्या? सुरेश सुरेश वापस आ जा। इस कॉलोनी का पुराना वॉचमैन है, बच्चे की मौत से पागल हो गया है, हार्मलेस, किसी को सताता कभी नहीं। वापस घर आ जा, वापस घर आ जा सुरेश सुरेश। ए पागल, ये क्या किया? अन्नू को क्यों मारा? वो तो मासूम है। हाँ शेखर, सुरेश वापस आ जा। सुरेश वापस आ जा, हम छुपा छुपी खेलेंगे सुरेश। सॉरी पापा, अब मैं उसे कभी पागल नहीं कहूंगी।
सो जाओ। नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। आज मुझे कहानी सुनाओ, भयंकर भूत प्रेत की कहानी सुनाओ। ऐसे कहानी नहीं आती। भैया के पास है कहानी। पापा ये देखो, मेरे पास बहुत अच्छी कहानी की किताब है। पापा पढ़िए पढ़िए। साइंस फिक्शन? यस। मुझसे कहाँ छुपा के रखा था इसे? तकिए के नीचे। जल्दी पढ़ के सुनाओ ना। देखो डरना वरना नहीं, अभी बोल दो आगे पढ़ू या नहीं। पढ़ो पापा जल्दी। Thank you.
हम कब मिलेंगे? कह नहीं सकती। मैं वहां आऊं क्या? पिटोगे? क्यों? पापा गया। हम कब मिल पाएंगे? हैं? क्या बोल रही है? संडे। पापा? सिनेमा में। और हम कहाँ मिलेंगे? मूनलाइट में। अरे कैसे? कोई नहीं रहता क्या? एक आदमी रहता है मगर उसे किसी ने देखा ही नहीं है, कभी बाहर ही नहीं आता। अरे नहीं, वो रात में बाहर आता है क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती। देखना आज भी आएगा। वो आ गया। ये पहले जेल में था। जेल में क्यों? इसने बहुत से खून किए हैं। तुम में से किसी ने देखा है उसे? जाने दे यार, घर चलते हैं वरना हमें भी मार डालेगा। डरपोक, सारे डरपोक। डर और कुछ नहीं है यार, मगर पंगा काय को? किसी में हिम्मत है तो उसका दरवाजा खटखटाए। नहीं बाबा। उसने मार डाला तो? डरपोक, तुम में से किसी की हिम्मत ही नहीं। ये बात है तो चलो। हाँ हाँ चलो चलो। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे काय को डरता है? अरे यार धीरे से बोलो ना, चलो चलते हैं। देखते हैं सब फंस जाएगी। ए आवाज मत करो, आराम से। ऊपर कौन जाएगा? विष्णु तू जा। कृष्णा तू भी जा। ओके। वन टू थ्री। अरे अरे, उसका दरवाजा खटखटाया क्या? गुस्सा आया तो खून कर देगा। चलो भागो। बाहर गए। नमस्ते मैम साहब। कैसे हो? अच्छा हूँ। साहब तो गए? कब गए? वो तो सवेरे ही चले गए, यहाँ साइट पर मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी। पापा कितने बोर हैं। कुछ कहा कब आएंगे? पता नहीं, एक फोन आया था फौरन चले गए। मैं आई थी, बोल देना। अच्छा बोल दो। कब? मम्मी बिचारी, पापा होते तो होटल में खाना खिलाते, लेकिन अब घर जाके सबके लिए खाना पकाना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं चित्रा, मैं हूँ ना मदद के लिए। गद्दी को फिर से मेरा नाम लिया। इधर आता अनु, जरा दाल का डब्बा दे। किधर है दाल माँ? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे सामने तो है। तू चुप बैठ। अनु ने डब्बा गिराया, उसका खाना बंद। तू चुप बैठ, तू चुप बैठ। मैंने इसमें नमक डाला? नहीं डाला। डाल दिया? नहीं डाला। ओ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हाय शेखर। हाय शेख। आज आप इतने लेट आए, कहाँ फंस गए थे? साइट पर ही था। सुबह से आप साइट पर ही थे? वहां क्लाइंट मीटिंग थी। पापा झूठ बोल रहे हैं। बीच में मत बोल। आप सारा दिन उधर ही थे क्या? काम बहुत ज्यादा था, उसी में शाम हो गई। पापा बात बात में क्यों झूठ बोल रहे हैं? रहने दे, तू खाना खा। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के बीच में झगड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है वो और पैसे नहीं दे सकता, बजट बहुत हो चुका है। आर्किटेक्ट कहता है आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। अब इन दोनों के झगड़े में मैं बेचारा फंस गया, इसी चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया।
है ना, चुपचाप रह। ए अर्जुन, खाना तो पूरा। ए अनु, भैया पापा झूठे हैं। तू अपनी जबान बंद रखेगी कि नहीं? माँ रो रही है, तुझे मालूम है? हाँ मालूम है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए, देखा? कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ समझी? ठीक है, आपने झूठ क्यों बोला पापा? आप साइड पे थे ही नहीं, हम वहाँ गए थे, माँ भी साथ में थी। आपने झूठ बोला, आप वहाँ नहीं थे। आपने मेरी माँ को रुला दिया पापा, आपने मेरी माँ को रुला दिया। आपने झूठ बोला है पापा, पापा आपने झूठ बोला। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ? बात यह है, जीवन में कभी झूठ वो झूठ बोलना पड़ता है ना, खास तौर पर बच्चों के सामने। क्या झूठ कहना जरूरी था? वो क्या करता? अरे क्या हो रहा है अर्जुन? देख ना, माँ पापा कट्टी पट्टी कर रहे हैं, इधर आ। हम दोनों कुछ भी करें, तुझे क्या? ए अर्जुन जल्दी आ, जल्दी आ। अंकल आप गाड़ी से जितना प्यार करते हैं उतना आंटी से क्यों नहीं करते? उससे राक्षसी से? क्या कहा? नहीं, वो मजाक कर रहा था। कृष्णा। हाँ कृष्णा, तेरी बीवी बुला रही है। कौन सी बीवी? ये क्या बोमा वो मैं अंकल अंकल मजाक करते हो? अगर अब किसी ने अंकल कहा तो थोबड़ा तोड़ दूंगा। प्रीति आई लव यू। अरे देखो ये मुझे आई लव यू बोलता है। अंकल अंकल, ये बच्चे किस तरह पैदा होते हैं? क्या कहा? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो? चुप, माँ को पता चला तो? पापा बाहर गए, तुझे मालूम है? पैसे क्यों निकाल रहे हो? आहिस्ता बोल, मुझे भी साथ ले चलो प्लीज। नो। क्यों नहीं? आज की रात छोटे बच्चे नहीं जा सकते। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अर्जुन, ए अर्जुन, अर्जुन।
सड़क के बीच में नाचते हो? चलो अंदर। हाय चितू, कहाँ है वो दोनों? अर्जुन, अनु, ए, क्या हुआ तुम दोनों को? इतने खामोश क्यों? हैं? आपके पीछे यहाँ क्या हुआ पहले ये पूछिए। आपने क्या किया सर? अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता रहा आपका ये लाडला। वापस कैसे आए मालूम है आपको? पुलिस पकड़ कर ले आई, बताता क्यों नहीं? चुप क्यों हो? क्या हुआ जुबान को? बोलिए, बाहर गए थे? नहीं गया, फिर झूठ बोला। अर्जुन, बात क्या है? क्या बात है? सच बोलो अर्जुन। पहले आप तो सच बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं हम सबसे। आप क्या बोले थे हमसे? बाहर जा रहा हूँ, आप कहीं नहीं गए। कल रात को आप एक औरत का हाथ पकड़े थे, मैंने देखा था पापा, मैंने देखा देखा था पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। चित्तू, कर रही सब तेरी वजह से। तुझे किसने कहा था मां के सामने वो सब बोलने को? चुगलखोर, तेरी वजह से मां और पापा में लड़ाई हुई है। अर्जुन, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। क्या सोच रहा है? डाइवोर्स बुरी बात है। डाइवोर्स क्या? पापा और माँ अलग रहेंगे। मेरे क्लासमेट की माँ को उसके पापा ने डाइवोर्स दे दिया। फिर क्या हुआ? अब वो दोनों कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। तो फिर हम दोनों का क्या होगा? तू माँ के पास, मैं पापा के पास, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे सुन के रोना आ रहा है। चुप, चल सो जा। पापा, क्या आप मेरी माँ को डाइवोर्स देंगे? पापा, आप माँ से अलग कर देंगे भैया को? अर्जुन ने कहा कि वो पापा के पास रहेगा
और मैं माँ के पास रहूंगी, फिर उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो जाए। ये सच है पापा? ये गलत है, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। आप माँ को डाइवोर्स नहीं देंगे ना पापा? कभी नहीं, मर जाऊंगा तब भी नहीं। अर्जुन, अन्नू, एक मिनट इधर तो आओ। इनके सर पर हाथ रखकर कहो, तुम उस औरत को भूल जाओगे, उससे अपना संबंध तोड़ दोगे। जी तो फिर वही। देखो ये सब झूठ है, ये मत कहना। ये आपके बैंक का पासबुक है, हर महीने आप मुझे 2000 रुपए देते हैं और निकालते हैं 3000 रुपए। बाकी के 1000 रुपए कहाँ जाते हैं? 2 वर्षों से हर हफ्ते बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो और ऑफिस वाले बताते हैं बेंगलुरु में इस नाम का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। अभी तुम कहोगे सब झूठ है? चतु, तुम्हारा शक पहला वजह है। नहीं, कुछ सुनना नहीं। वो कौन है, कहाँ है, ये मुझे नहीं जानना। मैं आइंदा तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अनु और अर्जुन को उनका पापा चाहिए और मुझे अपने लिए पति। कसम खाओ हमें दोगे? खाओ कसम। क्यों भीड़ को लगा रखी है? भीड़ लगाना गलत है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। हटो सामने से। अंकल आप अंदर जा रहे हैं? मत जाइए, फंस जाएंगे अंकल, फंस जाएंगे। रास्ता छोड़ो मेरा। जो कहना था कह दिया, फिर भी जाएंगे आप तो खुद पछताएंगे। हट सामने से। आइंदा तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से मिला तो लाश गिरा दूंगा। तेरी बेटी ही मेरे बेटे का हाथ पकड़कर छत की तरफ भागती है, अरे अपनी बेटी की लाश गिरा। आज के बाद तू इससे कभी नहीं मिलेगी, सबके सामने खा ये कसम। खा ये कसम। तू इधर आ, हट जा। तू उसका मुंह क्या देख रहा है? तू भी कसम खा, आज से उसकी बेटी का मुंह भी नहीं देखेगा, तुझे भी कसम खानी होगी। मत खाना, मत खाना, मत खाना। खा कसम, चल अंदर।
मैं लाइट जलाऊं? नहीं रे, आवाज मत करो। अर्जुन छुरी। इसी चाकू से सबका मर्डर किया होगा। हे सिगरेट। ये उसकी बेटी की फोटो है क्या? अरे उसकी बेटी भी है। लगता है उसी का फोटो है। हाँ। ये लेटर क्या है? अरे ये तो कोर्ट का रिलीज ऑर्डर लगता है। पढ़ के बताना। टू द जेलर ऑफ शंकरपुर, रेफरेंस रिलीज ऑफ डेनिस जोसेफ। डेनिस जोसेफ? खुली का नाम डेनिस जोसेफ है। डियर सर, विद अ रेफरेंस टू योर रिकमेंडेशन इन द केस ऑफ मिस्टर डेनिस जोसेफ was completing the term of his sentence. मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो, नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे।
रुकिए, बस रुकिए प्लीज।
अंजलि माँ, माँ अंजलि की माँ। अंजलि का पैदाइश के वक्त ही ब्रेन डैमेज हो गया था। अंजलि मर गई है ऐसा मुझे क्यों बताया गया? चित्रा धीरज। नो धीरज वीरज, अंजलि मर गई है ऐसा क्यों बोला गया? कहिए प्लीज, ये सब कैसे हुआ? उसे क्या हुआ डॉक्टर? अंजलि जब पैदा हुई तब बॉडी बिल्कुल ठीक थी, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो फिर पैदा होने के बाद वो रोई नहीं, 48 आवर्स रेस्पिरेटरी के अंदर थी। हम सब में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो 4 दिन से ज्यादा जिंदा रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्ची तो पैदा हो गई, मगर ज्यादा खून जाने से तुम बहुत कमजोर थी और बच्ची की मौत किसी भी समय हो सकती थी। सवाल ये था कि तुम्हें बच्ची पैदा होने के बारे में बता दिया जाए और 2-4 दिन बाद उसके मरने की खबर दी जाए। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी कि तुम बच्ची की मौत को सहन कर लोगी, इसलिए शेखर ने हम सबसे कहा कि तुम्हारे सामने झूठ बोले, इसलिए हमने छुपाया तुमसे, तुम्हारी भलाई के लिए। वो बच्ची जिसे डॉक्टरों ने कहा कि वो 4 दिन के बाद मर जाएगी, वो आज तक कैसे जिंदा है कोई नहीं बता सकता। इट्स अ मेडिकल मिरेकल। पहले वो अस्पताल में थी, मगर अब पिछले 6 महीनों से डॉक्टर शीला ने उसे लाकर यहाँ रखा है। अंजलि आज तक जिंदा क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, इसे भगवान की लीला कह लो। लेकिन सच तो ये है कि अंजलि के बचने का कारण उसका बाप है। इन 2 वर्षों में वो रोज कम से कम 5 घंटे उसके साथ बिताते हैं। अंजलि का जीवन मेडिकल साइंस का कमाल नहीं है, ये एक बाप की अथक मेहनत और विश्वास का परिणाम है। अंजलि को आज तक जिंदा रखने वाले मिस्टर शेखर हैं, जिनकी श्रद्धा और तपस्या ने मौत को भी हरा दिया। जीतू कहाँ चली गई थी तुम? जीतू क्या हुआ? जीतू उसे घर ले आई, इसमें अंजलि का क्या दोष है? हाँ ₹25। ये है वो लड़की, कहाँ कहाँ है? कौन है ये, क्या हुआ? ये लड़की पागल है क्या? अरे आहिस्ता बोलो, ये अब तक कहाँ थी? ए तुमने देखा क्या? पागल है, पागल बेचारी, इसे अपने फ्लैट में रखेंगे क्या? स्पेसिफिक है या पागल? अरे देखने में ही पागल लगती है। इनकी परवाह मत करिए मेम साहब, ये लोग तो किसी का दुखी नहीं समझते।
अंजू अनु, अंजलि तेरी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है। अंजलि बीबी है बेटा। नहीं ये अंजलि नहीं है। तुम्हारी बहन? नहीं ये मेरी बहन नहीं है। अनु ये अंजलि बीबी नहीं है। अनु ये बहन मुझे नहीं चाहिए। अनु अनु दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अनु। पापा ये अच्छी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसे फेंक दो, फेंक दो इसे। ये नहीं चाहिए, 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 नहीं चाहिए। तेरी बहन पागल है क्या? आधी पागल है या पूरी पागल है? बेटा अंजलि ऑफिस जाऊं मैं? बोलो हाँ। नहीं जाऊं, मैं दोपहर का खाना अपनी बेटी के साथ खाऊंगा। ऑफिस जाके आऊं क्या? बोलो हाँ। अंजलि आएगी मेरे पास? खुद पे भरोसा रखो।
खैर खत्म, गुड नाइट अनु। अर्जुन, भगवान से आज तूने क्या क्या कहा? बोल ना, तूने क्या कहा? अंजलि बेबी अगर मर जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अरे रे, ये संडे फिर आ गया। ओफो, से जलन होने लगी है। क्यों? इसलिए कि आजकल अंजलि मेरे पास नहीं, आपके पास रहती है। ऐसा नहीं है, वो बाप के साथ ही रहती है, उसका खाना पीना नहलाना सब वही करते हैं। अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं, लेकिन मैं माँ हूँ, अन्नू के पास जाती है, अर्जुन के पास जाती है, वो मेरे पास कभी नहीं आती। सब ठीक हो जाएगा,
अंजलि अपने पिता को पहचानती है इसलिए उनके पास जाती है। यहाँ बच्चों के साथ रही है इसलिए बच्चों के पास जाती है। थोड़े दिन जाने दीजिए, आपके पास भी आएगी। सच में? श्योर। डॉक्टर शीला की यहाँ बहुत से बच्चे देखे शेखर, अंजलि जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके सब बीमार, अपने अधूरे दिमागों की वजह से मजबूर, देखकर दया आती है। आखिर इनका दोष क्या है, ये ऐसा क्यों? शेखर क्या ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? हाँ। इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है क्या? जितना मुमकिन है वो करते हैं। भगवान ने इन्हें ऐसे क्यों बनाया? मैं क्या बोलूं? मगर ये तो अन्याय है शेखर, वो बच्चे जिन्होंने कोई पाप नहीं किया दुख उठाए, ये न्याय नहीं शेखर, ये न्याय नहीं। अरे हम तो घर जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? मैं अभी आया, दिल्ली ऑफिस से एक बड़ा कंसाइनमेंट आना था, अभी चेक करके आया। जरा जल्दी आना, तुम्हारे बगैर ये रो पड़ेगी। पापा। मैं अभी आया बेटा। मिस्त्री। जी साहब। दिल्ली से कंसाइनमेंट आ गया? आ गया साहब। जरा स्टॉक बुक लाना। अभी लाया। ठीक है, कल जैसे ही कारीगर। अरे ये लोग कौन है? मालूम नहीं। ए, कहाँ तुम लोग? अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो? नहीं धर्मा, धर्मा नहीं, नहीं, नहीं। नहीं धर्मा नहीं, नहीं। नहीं धर्मा, धर्मा नहीं। That's okay, sir. Please sit down. अरे बाबा बोलो, सुन रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात? No, no, no. That's okay. No problem. No, sir. उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आज कमिश्नर साहब से बात करूंगा। आप कल सुबह 10 बजे तक फोन कीजिए। सर शिवराज केस आत्महत्या नहीं है वो। One minute, साहब। Good morning, sir. शिवराज का PF gratuity file within 5 minutes मेरे केबिन में लाओ। Yes, sir. जरा फाइल देना। सर 1 मिनट सर, वो इंस्पेक्टर शिवराज डेथ केस के। यस 1 मिनट। बाबू शिवराज यूनिफॉर्म में था क्या? जी नहीं सर। तुम चुप रहो। नो नो सर। सर आप मेरी बात सुनेंगे? वेयर आर द फाइल्स? ला रहा हूं सर, क्विक। सर आप मेरी बात सुनेंगे? देखिए साहब, हमारा एक साथी ऑफिसर गिर के मर गया है, परेशान मत कीजिए प्लीज। शिवराज खुद नहीं मरा, मेरी बिल्डिंग से उसे मेरी आंखों के सामने धक्का दिया गया। किसने दिया? नहीं जानता, लेकिन खूनी का नाम है धर्मा। धर्मा की फाइल शिवराज के पास थी सर। रिटर्न स्टेटमेंट दे पाओगे? क्यों नहीं। कोर्ट में पेशी पर आओगे? यस। आए,
आज स्कूल में फोर्थ पीरियड में ऊपर से जब मैं गिर गई थी ना तो क्या है? मुझे डर लगता है शेखर, हमारे बच्चों का क्या होगा? अनु और अर्जुन अंजलि से दूर भागते हैं, अंजलि मेरे पास तक नहीं आती, मैं क्या करूं बोलो? सब ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ तो? मेरी बात पर विश्वास रखो। सचमुच? सचमुच। Hey,
माय सिस्टर अंजलि। किसने बांधा था इसके पीछे डब्बा? अगर हिम्मत है तो अभी बांध के दिखाओ। तुम्हारा क्या बिगाड़ा इसने? क्या तुम्हें यह पागल मालूम होती है? तुम्हारा भाई बहन ऐसा होता तो उसके साथ कैसा होता? Thank you.
लंबी लंबी कितनी लंबी। इंजीनियर क्यों तेरी मौत आई साले, काट के फेंक दूंगा समझा क्या? देख यहां देख, 15 साल का था तो खून किया था, साला के ऊपर उस साले को तड़पा तड़पा के काटा था, पता है आज तक ये किस खून किया मैंने? उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ, मरेगा बोल दिया, पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। वापस नहीं लिया तो येड़ा है क्या? पढ़ा लिखा है, कोई समझाओ इसे, एक और खून करने से बचना चाहता हूं मैं, समझो मेरी बात, क्यों पाप कराना चाहते हो, क्यों मेरे हाथों से तुम मरना चाहते हो? तेरा एक परिवार है ना, उसमें एक पत्नी है, तेरे 3 बच्चे हैं, उन्हें क्यों मरवाना चाहता है? जा पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में सारा बंदोबस्त हो चुका है। अंजलि कहाँ है? पता नहीं, मैं भी नहीं जानती कहाँ है। अंजलि अंजलि को देखा है क्या? मेरी छोटी बच्ची ये कहीं वो अंजलि अंजलि वॉचमैन वॉचमैन मेरी बेटी यहाँ आई थी। इधर तो नहीं आई। नीचे अकेली थी। मेहरबानी करके आइंदा मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, तुम जैसों का क्या भरोसा? अंजलि छोड़ो, अंजलि छोड़ दो। आप कहो तो मैं पहुंचा दूं। इसे हाथ मत लगाना। हाथ हटाओ। सॉरी लेकिन मारना नहीं। यार उमाशंकर
मुझे बच्चों से ये उम्मीद न थी। नारायण शर्मा, बच्चे हमें अनाथ करके भाग गए। उमा शंकर, मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी। हाँ, जहां रहे सुखी रहे। मीटिंग में आना जरूरी है, ऐसा चित्रा ने बताया। पहले आप लोग बैठ जाइए। क्या हुआ सर? देखिए, बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सर, तीनों बच्चे घर में अकेले हैं और मुझे बहुत से काम है। कम टू द पॉइंट। आ रहा हूं पॉइंट पे आ रहा हूं। आपने कहा तीन बच्चे हैं, उसमें तीसरा बच्चा अंजलि है ना? हाँ है। वो क्या है कि क्या है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कि बिल्डिंग के बच्चों के ऊपर बुरा असर। बुरा असर क्या? देखिए, हमारी कमेटी ने ये फैसला किया है कि आप हमारी बिल्डिंग से कहीं और चले जाएं, या आप अंजलि को मेंटल हॉस्पिटल भेज दें और खुद यहां रहें। अगर अंजलि के बारे में कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। शेखर, डोंट गेट एंग्री। तुम लोग कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? लुक मिस्टर शेखर, इस कॉलोनी में 100 फैमिलीज रहती हैं। उनके बीच उसमें एक मेंटल केस रखे तो? डोंट यू शेखर, प्लीज। यू सी, यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर उनके साथ एक पागल रहा तो कितना बुरा असर पड़ेगा। जाओ अपने काम करो। प्लीज प्लीज शेखर, डोंट प्लीज। पिछले दो हफ्तों से अंजलि की तरह हमारे बच्चे पागलों के जैसे बोलते हैं, सब तुम्हारी बच्ची की वजह से बिगड़ रहे हैं। ये सब देखकर हम चुप रहेंगे क्या? शिखर, बंद कर अपनी ज़ुबान। शिखर, प्लीज। शिखर, देखो, अंजलि को पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। शिखर में डेंजर है, सब बकवास है। शिखर प्लीज। शिखर देखिए, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, पर आपको भी तो हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अरे, ऐसे पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग जगह बनाई है, अंजलि को आप वहाँ क्यों नहीं छोड़ देते? अंजलि कहीं नहीं जाएगी, जो कर सकते हो कर लो।
मिसेस शेखर, पुरुष लोग जल्दी भड़क जाते हैं, लेकिन आप तो एक माँ भी हैं, आप ही सोच कर देखिए। यू सी, एक मेंटली रिटार्डेड। अगर एक शब्द और कहा। ए भाई, टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। बस करो। यहाँ एक खूनी रह सकता है, मुझको रहने का हक है जो 5 साल जेल में बिता के आया है, और ये रह सकता है जो रात को दारू पीकर अपनी बीवी को मारता है, ये रह सकता है, ये पवित्रता की मूर्ति जो अपने पति को घर में छोड़कर हर मर्द के साथ घूमती है। इन जैसे लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इस कॉलोनी में एक मासूम बच्ची नहीं रह सकती। क्यों नहीं? आंदा किसी ने अंजलि के लिए कुछ कहा तो? पापा, पापा अंजलि बुरी है ना? अंजलि तो बाहर भी नहीं जाती, और जाए तो सब सताते हैं। उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ आओ ना पापा, मुझे अंजलि नहीं चाहिए। वो तुम्हारी बहन है बेटा। मगर वो मेरी ही बहन बनके क्यों पैदा हुई? किसी और की भी बहन हो सकती थी। नीचे वाले घर में पैदा हो जाती, वो सामने वाले घर में पैदा हो जाती, मेरी ही बहन बनने की उसे क्या जरूरत थी? उसकी एक वजह है बेटा। क्या वजह है पापा? अंजलि के पैदा होने से पहले ऊपर आकाश में देवलोक के वासियों ने भगवान से जाके बोला, पृथ्वी पर अगली बच्ची किसके घर में जाएगी ये बताइए। तो भगवान ने कहा, ये बच्ची मेरी सबसे लाडली बच्ची है, लेकिन ये दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकती, भाग नहीं सकती, ठीक से बात नहीं कर सकती। इसलिए उसको एक अच्छा घर दो, एक अच्छी मां हो, अर्जुन जैसा भाई हो, और अनु जैसी दीदी। इसलिए अंजलि बेबी को भगवान ने हम सबको दे दिया। अंजलि हम सबके लिए एक वरदान है जो हमें प्यार करने के लिए मिली है, आखिरी वक्त प्यार करने के लिए। अंजलि, I'm sorry, मुझे पता नहीं था तू मेरी बहन है, अच्छी वाली बहन। पता है भगवान ने तुझे हमारे लिए भेजा है, तू मुझे प्यार करेगी ना? पा, पा। तेरी दीदी, दीदी अंजलि, मुझे माफ कर दे, तूने मुझे माफ कर दिया ना मेरी बहन, कर दिया ना? आज से तू मेरी प्यारी अंजलि। अंजलि, 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 प्यारी अंजलि, अंजलि।
इन सब में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि खून किसने किया था। घबराइए मत, आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपको नहीं देख सकते। यही है वो। तीनों एक साथ सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं शिखर। अब तो तुम खुश हो ना? खुश हो ना? हाँ, लेकिन। लेकिन क्या? अंजलि मुझे माँ कह के कब पुकारेगी? बोलेगी ना? जरूर बोलेगी। पापा! हमारी अंजलि को कुछ हो गया पापा, जल्दी कुछ करो पापा प्लीज। अर्जुन, सोने से पहले तूने भगवान से क्या प्रार्थना की? बोलना, तूने भगवान से क्या कहा? मैंने कहा हमारी अंजलि जल्दी से अच्छी हो जाए। मैंने भी यही प्रार्थना की। हमने पहले जो कहा था, अंजलि बेबी मर जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? अंजलि नहीं मरेगी। आपकी बच्ची का ब्रेन डैमेज्ड है, ये तो आप जानते हैं, इसलिए कोई भी दूसरा मर्ज खतरनाक साबित हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दिया है। देखिए क्या होता है। डॉक्टर, मेरी बच्ची। सर्जन बोलता है कि बच्ची अब ठीक है, इसे आप घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये नन्ही जान कब तक मुकाबला कर पाएगी कह नहीं सकते। क्या कह रही हो डॉक्टर? अंजलि धीरे धीरे हम सब से दूर जा रही है। अंजलि को हॉस्पिटल से लाए हैं। हाँ? हाँ?
पापा, असिस्टेंट कमिश्नर फोन पर थे। धर्मा नाम का आदमी बेल पर छूट गया है। वो पूछ रहे थे अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हो तो उन्हें फोन कर देना। चलेगी क्या माँ? क्या करूंगी तेरे बगैर, पागल हो जाऊंगी मैं। माँ तुझे कुछ नहीं होगा ना, तुझे कुछ नहीं होगा। पापा, अंजलि क्या मरने वाली है पापा? डॉक्टर ने क्या बोला? तुमको किसने कहा? बोल ही ना पापा, अंजलि मरने वाली है क्या? अर्जुन, तेरा बेटा मेरे पास है, उसे लेना तो नीचे आ, नीचे आ। Ah!
जल्दी से पुलिस को फोन करो। अरे कहाँ जा रहे बच्चे लोग, मत जाओ। अरे रुक, आंखें खोल अंजलि, आंखें खोल, बाहर देखना प्लीज, उठना अंजलि। अर्जुन, ए अर्जुन, अंजलि उठ नहीं रही है, नाटक कर रही है, तू उठाना चल। अंजलि, अंजलि, अरे उठना, बात नहीं करती, आंख भी नहीं खोलती, नहीं बोलती ना। ओफो, मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, माँ, अंजलि, अंजलि देख माँ आई है। Oh!
क्या हुआ? अंजलि उठ नहीं रही है पापा। पापा। अंजलि, पापा आए हैं। पापा, तेरे प्यारे प्यारे पापा, पापा। अंजलि को उठने को बोलो ना पापा, प्लीज। अंजलि, 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 अंजलि। अंजलि, देखना अंजलि कौन आया है, उठना, देखना, 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 अंजलि देखना, ये देख, देख गोपाल आया है, देखना, देखना अंजलि, देखना, देख, संजय आया है, देखना, अरे देखना, इधर देख, विनीता तुझसे मिलने आई है, उठना अंजलि, उठना, उठना, अंजलि उठना, इधर देख सब तुझसे मिलने आए हैं, उठना, 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 उठना अंजलि, उठना, उठना अंजलि, उठना, आगे गोल अंजलि, उठना, उठना अंजलि, उठना, उठना, उठना अंजलि, प्लीज आगे गोल। पापा, पापा, अंजलि को उठाओ ना पापा, उठाओ ना, उठाओ ना पापा, उठाओ ना, उठाओ ना, उठाओ ना, उठाओ ना पापा, उठाओ ना, उठाओ, उठाओ उसे, उठाओ ना, उठाओ ना, आवाज से बाप की बात मानती है, उठाओ ना। माँ, 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 अंजलि उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही है वो, उसे उठाओ माँ, माँ उसे उठाओ, उठे उठाओ माँ, प्लीज उठे उठाओ, उसे उठाओ माँ, उसे उठाओ माँ, उठाओ उसे, प्लीज माँ, माँ उसे उठाओ। अर्जुन, 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 अर्जुन और अंजलि खेलेंगे, उठाओ उसे,